नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन आईएएस कोड। इस वीडियो में भी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आईएएस कोड पे बेस्ड है, और कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस डिस्कस करेंगे, और साथ ही में जो भी रिलेटेड डेटा है उन क्वेश्चन से, जो भी कॉन्सेप्ट है उनको भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अगर आप एसएससी जेई, यूपीटीसी जेई, कोई भी ए या जेई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से, टीम एमसीक्यू ऐप, या फिर आप YouTube में सब्सक्राइब कर सकते हैं टीम एमसीक्यू चैनल को, या आप टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ सकते हैं टीम एमसीक्यू चैनल पर। ठीक है, तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू आईएएस कोड 1411/1993, एट व्हाट मॉइस्चर कंटेंट वेट ऑफ द टिम्बर इज नोटेड। वो बोल रहा है कि जो अपन टिम्बर का वेट अपन लेते हैं वो किस मॉइस्चर कंटेंट पर लेते हैं। तो वो आपको याद होगा जो टिम्बर होता है उसकी हम सीजनिंग करते हैं, ठीक है, और सीजनिंग करके उसका उसका जो मॉइस्चर है उसको कहाँ तक रिड्यूस करते हैं, उसको 10 से 12% तक हम रिड्यूस करते हैं। ठीक है, तो जो सीजनिंग के बाद जो टिम्बर मिलता है उसी का हम वेट ले लेते हैं, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 10 से 12%। तो यहाँ जो ऑप्शन दिया ऑप्शन सी 0.12 या 12%, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको क्या कॉन्सेप्ट है इसका। ये इसका कोड है 1411/1993, जो उसका वेट किया जाता है 10 से 12% भी किया जाता है, क्योंकि जो उसका मॉइस्चर कंटेंट होता है आफ्टर सीजनिंग वो 10 से 12% होता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर टू। ये क्या बोल रहा है? एज पर आईएस कोड 800, ये 2007 वाला कोड है, ठीक है, स्टील का, द मैक्सिमम पिच एंड रिवेट इन कंप्रेशन फ्लेंज। देखो पिच की बात किया है कि इसमें कंप्रेशन फ्लेंज में, ठीक है, थिकनेस टी ऑफ अ बिल्ट अप बीम। ये बोल रहा है कि मैक्सिमम पिच कितनी होनी चाहिए कंप्रेशन फ्लेंज में। तो सबसे पहली बात कि पिच क्या होता है, पिच पहले भी डिस्कस किया हुआ है, एक बार और देख लेते हैं। देखो पिच क्या होता है, जैसे दो प्लेट को आपने कनेक्ट किया हुआ है, आपने यहाँ पर रिवेटेड कनेक्शन बोला है, यहाँ रिवेट ले लेते, मान ले कि कुछ रिवेट्स कनेक्शन में हमने लगाए हुए हैं, और जो लोडिंग है वो इस डायरेक्शन में हो रही है, तो जो लोडिंग की डायरेक्शन पे जो स्पेसिंग होती है रिवेट्स की वही कहलाती है पिच, ठीक है। और ये बोल रहा है कंप्रेशन फ्लेंज में, मतलब जो लोडिंग लग रही है वो ऐसी नहीं है, लोडिंग कंप्रेशन में है, जो लोडिंग है वो कंप्रेसिव है। तो कंप्रेशन में पूछ रहा है कि पिच कितना होना चाहिए। तो एक्चुअली क्या होता है, कंप्रेशन और टेंशन दोनों के लिए अलग अलग होता है। कंप्रेशन के लिए होता है, देखो कंप्रेशन की जो मैक्सिमम पिच होती है वो होती है 1280 या 200 mm, ठीक है। और दूसरी साइड अगर अपन देखें टेंशन के लिए वो होती है 1600 या 200 mm, ठीक है। तो यहाँ पूछा है हमसे कंप्रेशन के लिए, तो क्या हो जाएगा, कंप्रेशन के लिए 1280 और 200 mm, तो सी वाला आपका सही आंसर हो जाएगा। और जो अगर टेंशन के लिए पूछता तो ये वाला हो जाता, ये वाला, ठीक है, तो आपका सही आंसर है सी। देखो ये जो सेम चीज लिखी हुई यहाँ पे, टेंशन मेंबर में 1280 और 200 mm, और जो कंप्रेशन मेंबर है वहां पे 1600 200 mm, ठीक है। अब कुछ अपडेट आपके लिए, अगर आप एसएससी जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो हमने कुछ कोर्सेस लॉन्च करके रखे हैं, एमक्यूपीपी मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस प्रोग्राम। अगर आपको प्रैक्टिस करना है इफेक्टिव तरीके से तो इस कोर्स को एनरोल कीजिए आप। यहाँ पे उन क्वेश्चंस का आपको कलेक्शन मिलेगा जिससे आपके सारे जो कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर क्लियर हो जाएंगे, और जो आपका जो पूरा सिलेबस है आपका रिवीजन हो जाएगा इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो प्रैक्टिस के लिए एनरोल कीजिए इस कोर्स को। अगर आपको अपनी प्रिपरेशन को टेस्ट करना है तो आप ये टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है। आपको अगर इसको इनरोल करना है तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा हमारे एप्लीकेशन टीम एमसीक्यू प्ले स्टोर से। एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और इस कोर्स को इनरोल करो, ठीक है। अगर आपको ये एमक्यूपीपी अलग से परचेस करना है ये आप कर सकते हो, टेस्ट सीरीज अलग से परचेस करना है ये आप कर सकते हो, और अगर दोनों आपको एक साथ परचेस करना है कॉम्बो में तो वो भी हमारे पास में अवेलेबल है बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे। जाइए इस एप्लीकेशन पे और बाय कीजिए इसको। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थ्री क्या बोल रहा है? इंडियन स्टैंडर्ड कोड फॉर प्रैक्टिस फॉर ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क के लिए पूछ रहा है कि कौन सा अपन कोड यूज करते हैं, ठीक है। तो
तो ब्रिक वर्क के लिए जो यूज करते हैं कोड वो होता है IS 2212, IS 2212, ये होता है ब्रिक वर्क के लिए। बाकी कोड्स के बारे में भी देख लेते हैं। देखो जो IS 2212 होता है 1991, ये होता है ब्रिक कंस्ट्रक्शन फॉर क्ले ब्रिक के लिए, मेसनरी के लिए। उसके अलावा IS 3466, ये होता है मेसनरी सीमेंट के लिए, स्पेसिफिकेशन होता है मेसनरी सीमेंट के लिए। IS 3102, ये होता है बर्न एंड क्ले ब्रिक्स के लिए, सॉलिड ब्रिक्स। IS 1077, ये होता है बर्न एंड क्ले बिल्डिंग ब्रिक्स के लिए। ठीक है, तो बाकी का भी मैंने बता दिया आपको। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द मिनिमम सीमेंट कंटेंट, मिनिमम सीमेंट कंटेंट पूछ रहा है और रेनफोर्स्ड कंक्रीट सरफेस मेंबर कंस्ट्रक्टेड इन टाइडल जोन, ये इसने एक्सपोजर कंडीशन दिया है टाइडल जोन, एज पर द इंडियन स्टैंडर्ड फॉर प्लेन एंड रेनफोर्स्ड कंक्रीट कोड प्रैक्टिस। ठीक है, वो IS कोड के हिसाब से बोल रहा है कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होना चाहिए, किसमें, टाइडल जोन में। ठीक है, किसके लिए, RCC वर्क के लिए। तो ये जो डेटा दिया हुआ है ये एक टेबल में IS 456 में, IS 456 की एक टेबल दी हुई, इसमें कुछ डेटा है, वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से बार बार आपको क्वेश्चन मिलेंगे, तो वो टेबल मैं आपको दिखाता हूँ पहले। देखो ये है, ये टेबल नंबर 5, दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है ये। इस टेबल की जो भी डिटेल्ड है इंफॉर्मेशन है सबको आपको याद रखना है, बार बार आपको एग्जाम्स में देखने मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे जो टेबल दिया हुआ है एक्सपोजर कंडीशन, मैं आपको समझा देता हूँ टेबल को, फिर आपको इसको याद रखना है हमेशा के लिए। तो इसने एक्सपोजर कंडीशन के हिसाब से अलग अलग चीजें दी हुई है। क्या दी हुई है, देखो PCC के लिए, प्लेन कॉन्क्रीट के लिए अलग दिया हुआ है, और RCC रेनफोर्स कॉन्क्रीट के लिए अलग दिया हुआ है। तीन चीजें हैं इसमें, एक है मिनिमम सीमेंट कंटेंट, दूसरा है मैक्सिमम वाटर सीमेंट रेशो, और तीसरा है मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। इसके क्वेश्चन आपको बार बार देखने मिलेंगे। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो उसने RCC के लिए पूछा है, और देखो इसने एक वर्ड यूज किया टाइडल जोन। टाइडल जोन, ये टाइडल जोन जो होता है ना, ये एक्सट्रीम कंडीशन में होता है। ठीक है, तो हमें एक्सट्रीम कंडीशन को देखना है। आपको पता होगा कि पांच जो हमारे एक्सपोजर कंडीशन होती है, पांच होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, वेरी वेरी सीवियर एंड एक्सट्रीम। एक्सट्रीम में टाइडल जोन आता है। ठीक है, और जो एग्रेसिव केमिकल्स वाला जोन है वो भी आता है इसमें, एक्सट्रीम कंडीशन में। एक्सट्रीम कंडीशन में मिनिमम सीमेंट कंटेंट पूछा है RCC के लिए, तो वो होता है 360 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपको सब याद रखना है। माइल्ड के लिए कितना होता है, 300 होता है, मॉडरेट के लिए भी 300 होती है, सीवियर के लिए 320, वेरी सीवियर के लिए 340, और 360 होती है किसके लिए, एक्सट्रीम के लिए। और बाकी वाटर सीमेंट रेशो का दिया हुआ है, मिनिमम ग्रेड आपको कितना यूज करना दिया हुआ है, तो ये M20 यहाँ पे दिया हुआ है, मतलब आपको RCC में कम से कम M20 तो यूज करना ही है। ठीक है, M15 आप RCC में यूज नहीं कर सकते, ये आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, और मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट 300 है किसके लिए, मिनिमम 360 है एक्सट्रीम के लिए। ठीक है, तो ये टेबल याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ये 360। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्या बोल रहा है ये, विच इंडियन स्टैंडर्ड कोड, कोड पूछा है कौन किसके लिए, कोल्ड वर्क HYHD स्टील, जो HYHD स्टील होता है कोल्ड वर्क वाला रिवर्स, उसके लिए पूछ रहा है। तो देखो IS जो ये HYHD बार के लिए कोड यूज होता है, ये होता है IS 1786, इसको याद रखो आप, IS 1786, ये होता है HYHD बार के लिए। ठीक है, और ये कोड तो आपने, दो कोड तो बार बार इसका नाम देखा ही होगा, ये आपका स्टील स्ट्रक्चर के लिए है। ठीक है, और ये RCC के लिए है। ठीक है, तो देखते हैं, और जो IS 808 है ये किसके लिए होता है, ये हॉट हॉट रोल्ड सेक्शन बीम कॉलम चैनल सेक्शन के लिए होता है। ठीक है, हॉट रोल्ड के लिए होता है, जो पहला ऑप्शन था ये हॉट रोल्ड सेक्शन के लिए होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है, एज पर IS कोड 1661, ये जो 1661 है ना, ये प्लास्टर के लिए होता है। ठीक है, थिकनेस ऑफ फर्स्ट कोट, सेकंड कोट एंड थर्ड कोट इन प्लास्टरिंग, देखो प्लास्टर का क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि
जो आप तीन कोट करते हो प्लास्टर की, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ठीक है, उसको उसकी थिकनेस पूछ रहा है कितनी होती है। तो जो प्लास्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं आईएस कोड की, वो हम देख लेते हैं पहले, ठीक है। तो प्लास्टरिंग वर्क के लिए आईएस कोड यूज होता है 1661। कुछ पॉइंट्स से देख लेते हैं पहले क्या क्या पॉइंट्स है। टू मेक सरफेस ऑफ द वॉल परफेक्टली सील्ड, देखो किसकी वॉल की परफेक्टली सील्ड वुड एंड मेटल, आपको तीन कोट रिक्वायर्ड है। किसके लिए? वॉल के लिए, वुड के लिए, मेटल के लिए, तीन कोट चाहिए आपको। और क्या बोल रहा है आपको, स्टोन स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी रिक्वायर्ड टू कोट फॉर इम्पोर्टेंट कंस्ट्रक्शन। अगर आप स्टोन एंड ब्रिक मेसनरी कर रहे हैं कहाँ पे, पब्लिक बिल्डिंग और स्कूल में, तो दो कोट आपके लिए रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अगर आपको लो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन करना है तो सिंगल कोट भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तीन कोट आपको जो दिया है ना, इसके बारे में क्वेश्चन में पूछा है। उसके बाद में क्या है, इन द थ्री कोट, देखो तीन जो कोट होते हैं तीनों का नाम होता है अलग अलग। तीन कोट में जो फर्स्ट कोट होता है उसको बोलते हैं रेंडरिंग, ठीक है, दैट इज फर्स्ट। जो सेकेंड कोट होता है उसको बोलते हैं फ्लोटिंग, फ्लोटिंग क्योंकि बीच में होता है ये। और थर्ड कोट होता है उसको बोलते हैं फिनिशिंग कोट, ठीक है। तो याद रखें, पहला वाला रेंडरिंग, सेकेंड वाला फ्लोटिंग और थर्ड वाला फिनिशिंग। ये सेम टू सेम क्वेश्चन आया हुआ है एसएससी जेई में, ठीक है। तो इसको याद रखें वाले इस पॉइंट को। उसके बाद में थिकनेस की बात आती है प्लास्टर की। तो जो आपका पहला कोट, कौन सा कोट है पहला? रेंडरिंग। तो फर्स्ट कोट है रेंडरिंग, उसकी थिकनेस होना चाहिए 10 से 15 mm। सबसे ज़्यादा जो थिकनेस होती है फर्स्ट कोट की होती है, कितनी होती है? 10 से 15 mm पहले कोट की होती है। सेकेंड कोट जिसको फ्लोटिंग कोट बोलते हैं, उसकी थिकनेस होना चाहिए 6 से 9 mm, ठीक है। और जो अपना लास्ट कोट है फिनिशिंग कोट, इसकी थिकनेस होना चाहिए 2 से 3 mm की, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखें, पहला कोट 10 से 15 mm, दूसरा 6 से 9, तीसरा 2 से 3, ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा था कि तीनों कोट की थिकनेस कितनी होती है? तो ये है, पहले कोट की होती है 10 से 15, दूसरे की होती है 6 से 9, तीसरे की 3 से 9। ये डिक्रीज होते जाती है, ध्यान रखें आप, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू प्लास्टरिंग वर्क, ये आपको मिल गई होगी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्या बोल रहा है, एज पर IS 1200, ये जो IS 1200 है, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको यूनिट्स मिलेंगी कि किस यूनिट्स में आपको मेजरमेंट लेना है, कौन से वर्क की, ठीक है। उसके लिए IS 1200 है। इन द एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटीज, ठीक है, ऑफ द फॉलोइंग वर्क गिवन विथ कोट्स MNOP, ये दिया हुआ नीचे, आइडेंटिफाई द वर्क हैविंग अ डिफरेंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये बताना है कि इनमें से किसकी यूनिट डिफरेंट है मेजरमेंट की विद रिस्पेक्ट टू अदर्स, ठीक है। सबको अपन देखते हैं एक एक करके। टर्फिंग ऑफ बंड ऑफ कैनाल, ये क्या होता है? ये जो आपकी बंड्स होते हैं ना, ये इसकी आप टर्फिंग करते हैं सीमेंट से, तो एक एरिया कवर कर रहे हैं आप, तो ये स्क्वायर मीटर में होता है, ठीक है। उसके बाद है वुड वर्क और डोर फॉर शटर। देखो डोर एंड शटर के लिए जब आप वुड वर्क यूज करोगे, तो आप एक डेफिनेट थिकनेस के लिए आप एक एरिया कवर करने वाला कुछ बोर्ड बनाओगे, ठीक है, तो वो भी स्क्वायर मीटर में होता है। उसके अलावा बिटुमिनस रोड सरफेसिंग, ये भी आप एक सरफेस आप एक कवर करोगे स्पेसिफिक थिकनेस के लिए, ये भी आप स्क्वायर मीटर में लेते हो, ठीक है। और ग्राउटिंग ऑफ क्रैक्स, देखो जब क्रैक्स की हम ग्राउटिंग करते हैं तो क्या होता है, जैसे कोई ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पे कुछ क्रैक्स है, हमने ग्राउटिंग की तो वो हम मीटर में लेते हैं, क्योंकि हमको लेंथ मिलती है उसकी, तो ये होता है मीटर में। तो उसने बोला था कि किसकी मेजरमेंट डिफरेंट यूनिट जो होती है डिफरेंट है, तो ये ऑप्शन जो डी है ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो एक इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि स्क्वायर मीटर कहाँ पे अपन यूज़ करते हैं, वो जहाँ पे एक हमको एक एरिया कवर करना है जहाँ पे, और उस एरिया की जो हमको उसमें अप्लाई करना है जो चीज़, उसकी एक डेफिनेट थिकनेस हो, वैसी जगह पे हम हमेशा स्क्वायर मीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे प्लास्टर हो गया है ना, और वाइट वॉशिंग हो गई, वहाँ पे भी अपन स्क्वायर मीटर यूज़ करेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं आप। ये क्या बोल रहा है, इन इंडिया कंक्रीट मिक्स डिजाइन और RCC इस कैरिड आउट यूजिंग। देखो इस कोड के बारे में हमने बहुत डिस्कस किया है प्रीवियस वीडियोस में, बहुत सारे डिटेल और क्वेश्चन इस पे बेस्ड किए हैं। ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा ध्यान रखो। जो IS 10262 ये जो कोड है, हम मिक्स डिजाइन के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा 456 सबको मालूम है, ये RCC के लिए यूज होता है। 373 तो नहीं, एक जो IS IS 383 होता है, ये
ये आपका एग्रीगेट के लिए यूज़ होता है, ठीक है। और ये 800 है ये स्टील की, स्टील डिज़ाइन के लिए, स्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। विच आईएस कोड गिव स्पेसिफिकेशन अबाउट सीमेंट प्लास्टर। अभी कुछ क्वेश्चन पहले हमने डिस्कस किया था, जो IS 1661 होता है वो सीमेंट प्लास्टर के लिए यूज होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। इसके अलावा जो IS 1500 है ये ब्रिनल हार्डनेस के लिए यूज होता है, ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट, ठीक है, जिससे आप हार्डनेस निकालते हो किसी मेटल की, किसी मटेरियल की, तो उसके लिए ये यूज होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये डी वाला 1661, ये प्लास्टर के लिए यूज होता है, ठीक है। तो वो जो IS 150 1500 है ब्रिनल हार्डनेस टेस्ट के लिए, और जो ये है ये सीमेंट और लाइम प्लास्टिक के लिए, ठीक है, याद रखो इसको। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। एज पर IRC द मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ मीडियंस, मीडियन के बारे में पूछा है, मीडियन की विड्थ के बारे में पूछा है, मिनिमम विड्थ शैल बी ब्लैंक इन केस ऑफ रूरल रूरल हाईवेज। हाईवेज के लिए पूछा है इसने क्या, मिनिमम डिजायरेबल विड्थ ऑफ मीडियंस। देखो मीडियन क्या होती है, आपका कोई एक कैरिज वे है, कोई पेवमेंट है, तो आप क्या करोगे, ट्रैफिक को सेपरेशन, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है यहाँ का ट्रैफिक, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसको सेपरेट करने के लिए आप बीच में एक एरिया आप दोगे यहाँ पे, जो यहाँ पे जहाँ से ट्रैफिक मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है। ये जो ये रहेगा ये सेपरेट करेगा आपके दोनों डायरेक्शन के ट्रैफिक को, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं इसके, उस कारण ये दिए दिया जाता है, ये इसको ये कहलाता है मीडियन, ये एक्चुअली में ट्रैफिक सेपरेटर होता है। तो इसकी विड्थ पूछा है, तो इसकी जो मिनिमम विड्थ जो अपन देते हैं रूरल में या हाईवेज में वो होती है 5 मीटर, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इसके बारे में हम देख लेते हैं। और देखो तो मेन फंक्शन इज टू ट्रैफिक सेपरेटर, ठीक है, ट्रैफिक सेपरेटर उसको मीडियन को बोलते हैं, इज टू प्रिवेंट हेड ऑन कोलिजन। दोनों साइड से जब ट्रैफिक आएगा तो आपका ट्रैफिक मिक्स ना हो, दोनों ट्रैफिक अलग अलग डिस्टेंस पे निकल जाए, इसलिए ये इसका इम्पोर्टेंस होती है कि हेड ऑन कोलिजन ना हो जाए, ठीक है, बिटवीन व्हीकल्स मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। ये पॉइंट द सेपरेटर में आल्सो हेल्प टू, क्या क्या हेल्प करता है, चैनलाइजिंग ट्रैफिक इंटू स्ट्रीम। देखो अगर ट्रैफिक अलग अलग मूवमेंट करेगा, मिक्स नहीं होगा, तो चैनलाइज करने में हेल्प करेगा, ठीक है। उसके अलावा सेग्रीगेट स्लो ट्रैफिक एंड प्रोटेक्ट पेडेस्ट्रियंस, जो जो आपके स्लो ट्रैफिक है उसको भी आप सेपरेट कर सकते हो इसके द्वारा, ठीक है। तो ये मीडियंस के आपके यूज हो गए, क्या किस किस लिए ये हेल्पफुल है। इसके अलावा तो IRC देखो इसने दिया हुआ है इसकी बिट्स के बारे में, तो मिनिमम डिजायरेबल बिट जो होती है 5 मीटर होता है, जो क्वेश्चन में पूछा था हमारे। उसके अलावा ये है 5 मीटर कहाँ पे, रूरल हाईवेज में। उसके अलावा 3 मीटर भी होती है कहाँ पे, वेयर लैंड इज रिस्ट्रिक्टेड, जहाँ पे आपके पास में लैंड ज्यादा नहीं है, आपको जो आपकी रोड बनाना है वहाँ पे लैंड आपके पास में ज्यादा नहीं है, आप बीच में 5 मीटर जगह वेस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पे आप 3 मीटर भी आप दे सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे IS कोड पे बेस्ड, ठीक है। और ऐसे ही आपको आगे वाले वीडियोस में भी इम्पोर्टेंट जो हमारे प्रोविजन IS कोड के उस पर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ, और अपनी प्रिपरेशन को और अगर आपको स्ट्रॉन्ग करना है तो ये इसको बाय कीजिए, आप MQBP क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए इनके साथ, साथ में टेस्ट सीरीज को, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।